सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो हमने अपने पशुओं के लिए कुट्टी करके रख ली है। सारे दिन के लिए घास काट करके रख लेते हैं आजकल हम सुबह सुबह, और घास काटा हुआ होता है हमने ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर ढेरी लगी हुई है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस तरह से बोरी में भर करके रख लेते हैं, क्योंकि दिन में भी खिलाना होता है ना। तो अगर इसको यहीं पे रखेंगे तो ये सूख जाएगा धूप जो होती है। और वहाँ पे पशु भी हमारे घास खाने लग गए हैं। बकरियों को तो अभी कुछ नहीं डाला है, इनको तो ले जाना है चराने के लिए। और सुबह सुबह आजकल पशुओं के घास का काम होता है ना, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि 10 बजे को धूप पड़ जाती है काफ़ी कड़कके वाली, और साथ में फिर मक्खियाँ भी होती है धूप में ना। तो फिर पशुओं का काम जल्दी कम्प्लीट कर लेते हैं सुबह ना, फिर अपना तो चलो आराम से करते रहते हैं। और ये जो हम अपने पशुओं को सुबह सुबह घास काटते हैं ना, तो वो जो हरा घास होता है उसको ले आते हैं हम एक दिन पहले का ही, जैसे कि मतलब आज काटा घास ना, तो वो हरा घास कल कल आया हुआ था। अभी आज फिर से जाएंगे घास काटने को, हरा घास काट करके ले आएंगे, वो फिर अगले कल के लिए होगा हमारा। पर हरा घास काटने के लिए जाते हैं हरदीप के पापा, और हमारे गांव वाले खेत हैं ना, वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बीजा था तो वहाँ पे उग गया घास, तो वहाँ से लेकर के आते हैं घास हम आजकल अपने पशुओं के लिए। और मुझे तो अभी घर में खाना वगैरह बनाना है, तो ऐसे होता है कि एक आदमी बाहर चला जाए घास लाने के लिए और एक घर में कर दे। और यहाँ पे मुझे निकालनी है सब्जी, तो मैं निकालूंगी यहाँ पे गोभी के पत्ते। और गोभी की हालत तो देखिए क्या हो रही है, फूल पता नहीं में आ रहा है कि नहीं, पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और ये पौधे ना फूलने भी लग गए हैं। ये देखिए बीज लगने लगे हैं यहाँ पे। ये बंद गोभी है, ये फूल गोभी है, यहाँ पे दो तीन पौधे हैं यहाँ पे फूल गोभी के वाले, बाकी ये सारे बंद गोभी के ही पौधे हैं। पर ये ना सारे ऐसे खुल गए, मतलब फूल तो इनके अंदर जो लगना था ना, लगने तो लग गया था, पर ये देखिए उसके पत्ते बन करके ऐसे खुले खुले हो गए हैं ये। और मैं यहाँ पे ये पौधे ही उखाड़ लूँगी इस तरह से, जो सब्जी लायक होंगे पत्ते उनकी मैं सब्जी बनाऊँगी, बाकी खाएंगी हमारी बकरियाँ और भैंसे। और खाना बनाने की ड्यूटी मैंने लगा दी है यहाँ पे हरदीप की, आटा गूंथ करके रखा है मैंने ना, इसको दे दी रोटी पकाने को, क्योंकि मुझे ना और भी बहुत काम था। तो फिर मैंने बोला कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने को। और हमारा हरदीप ना खाना बना लेता है आजकल, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरी। वैसे पहले तो हरदीप को खाना बनाने की आदत नहीं थी ना, पर ऐसे होता है कि देखो मुझे भी बाहर कपड़े धोने का काम था, तो अगर मैं खाना बनाने लगती तो ये काम मेरा फिर रह जाना था। तो इस तरह से हमारे दोनों काम हो गए। और यहाँ पर आज ना हम अपने घर के पीछे ये जो हमारा चढ़ा होते हैं हम इसको, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं। ये हमारे घर के पीछे वाली दीवार है, और ये पीछे डंगा है घर के पीछे, यहाँ पे एक दीवार दिख रही है। और अभी हम यहाँ पे अपने टोके के लिए छत बना रहे हैं, तो देखते हैं हमसे बन पाएगी या नहीं। तो दो खंभे हमने वहाँ पे दीवार की साइड में गाड़े हैं ना, और दो खंभे हमने यहाँ पे गाड़े हैं ये देखिए, और इनके ऊपर ऐसे एक एक खंभा और इनके ऊपर रख रहे हैं चादर। तो एक बार तो चादर रख ली थी एक दो, पर ऊपर से गिर गई नीचे को, टंगड़ी टूट गई थी यहाँ पे, पर बच गई मैं क्योंकि ध्यान ही नहीं था मेरा ना। अब इस तरह से इन चादरों को रख रहे थे ऊपर ना, एक को रखा हुआ था दूसरी चादर रखने लगे, उतने को वो जो पहले रखी थी वो नीचे गिर गई, तो मैं ऐसे साइड में खड़ी थी, तो मेरे ऐसे पाँव के बिल्कुल नज़दीक में पड़ी वो चादर ऊपर से। पर शुक्र है कि मैं ना लंगड़ी होने से बच गई। हरदीप के पापा भी मान रहे हैं ना, मैं तो उनको बोल रही हूँ कि कुछ और जतन करेंगे थोड़ा सा, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है ये शेड हमारा। बकरी घूंगी भीतर बच Thank you.
तो ये देखिए भाई, हमारे टोके के लिए यहाँ पे सेट बन गया है। ऐसे ही बना है अभी तो टेम्परेरी। और ये जो हमने ऊपर चादरें रखी है ना, तो इनकी ढलान अभी अच्छे से नहीं आई है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे नीचे खम्भे गाड़े हैं ना, तो थोड़ा फर्क मेरे ख्याल से खम्भों का भी होगा। पर अभी याद हमने इनको यहाँ पे रख लिया है, हमने बोला कि चलो ट्राई कर लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। फिर अभी एक दो दिनों में हम ना और खम्भे निकालेंगे और नए खम्भे गाड़ेंगे यहाँ पे, तब थोड़ा सा और जुगाड़ जो है तो मजबूत कर लेंगे। वैसे ऐसे टेम्परेरी करना है अभी हमको, मतलब खुद से बना रहे हैं ना इसको, ताकि जो अच्छे से बनाना है ना वो तो बाद में देखेंगे, क्योंकि अपना बजट भी देखना होता है ना, अपने बजट के हिसाब से ही होता है हर काम। पर चलो हमने बोला कि टेम्परेरी कुछ ऐसे कर लेते हैं, पर आज के दिन के लिए तो हमने इतना किया है। और यहाँ पे बीच में मैंने रस्सी जैसे भी बांधी है, पर ऐसे है कि ये हवा से उड़े ना, मतलब दो चार दिन या हफ्ता भर अगर ये निकाल लें ना तो उतने काफ़ी है। फिर तब तक हम और जुगाड़ करेंगे, मतलब और खम्भे वगैरह निकाल करके थोड़ा और मजबूत बनाएंगे इसको। और ये चादरें थी हमारी, हमारे घर की जो गैलरी है ना, वहाँ पे छत बनाई हुई थी इनकी, तो 10-12 साल तो ये चादरें वहाँ पे रही उस गैलरी पे ही। तो अभी इस बार हमारी घर की नई छत बनी ना, तो तब निकाला है इनको, और इनको रखा था हमने बरामदे में ऊपर ही, तो इनको काटा नहीं है, तो ये पूरी रख ली है हमने। 12 फुट लंबाई है इनकी, तो फिर अभी तो फिलहाल हमने इनको पूरे ही रखा है, और काटेंगे भी नहीं इनको, ऐसे रख लेंगे पूरे ही। अच्छा काटेंगे तो फिर ये वेस्ट हो जाएगी, और इस तरह से लंबी रखने से क्या होगा कि यहाँ पे जगह नीचे खुली हो जाएगी बढ़िया, मतलब हमारी यहाँ पे हमें घास काटना होता है ना, तो फिर पीछे को घास भी रखना होता है, और कई बार मौसम ख़राब हो जाता है, हल्की हल्की बारिश लग जाती है ना, तो हमें होती है मुश्किल घास काटने की, तो तब कर रहे हैं हम ये टेम्परेरी जुगाड़ यहाँ पे। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये टेम्परेरी जुगाड़, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।